नमस्कार आदाब, मैं हूं आपका अपना हामिद सैफी और आप देख रहे हैं टाइम 24 न्यूज़। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोरोना के कारण बने गंभीर हालात को देखते हुए योगी सरकार ने लॉकडाउन सोमवार तक के लिए बढ़ा दिया है। अभी तक गुरुवार सुबह 7 बजे तक ही बंदी की घोषणा की गई थी, पर स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। यह आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में हुई टीम 9 के साथ बैठक में दिया है। अमर उजाला की वेबसाइट से ली गई जानकारी के अनुसार 29 अप्रैल को योगी सरकार ने प्रदेश में शुक्रवार शाम 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन करने का निर्णय लिया था और फिर 3 मई को 2 दिनों के लिए इसे और बढ़ाकर गुरुवार 6 मई तक सुबह 7 बजे तक कर दिया गया। इसके बाद अब यानी आज बुधवार को इसकी म्याद 10 मई तक सोमवार सुबह 7 बजे तक की कर दी गई है। दोस्तों, इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने मास्क ना पहनने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बिना मास्क के आप बाहर निकलते हैं तो आपको पहली बार में 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। वहीं अगर आप दूसरी बार बिना मास्क के पकड़े जाते हैं तो ये जुर्माना 10 गुना तक बढ़ जाएगा, यानी 10,000 रुपये का जुर्माना आपको दूसरी बार में देना पड़ेगा। प्रदेश सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल कड़ाई से पालन करने के भी निर्देश दिए हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के संग बैठक में कहा है कि कोविड का वर्तमान स्ट्रेन लगातार रूप बदल रहा है और जो उसका स्ट्रेन है वो और भी घातक साबित हो रहा है। यह पहली बार की जो लहर थी उसकी तुलना में 30 से 50 गुना अधिक संक्रामक रूप ले चुका है। कुछ केस में देखा गया है कि कोविड टेस्ट में भी इसकी पुष्टि नहीं हो रही, जबकि सीटी स्कैन में पता लग रहा है कि लंग्स कोविड से प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में हमें और सतर्कता के साथ काम करने की ज़रूरत है। गांव में घर घर जा रही कोरोना जांच टीम, आपको बता दें कि ग्रामीण इलाकों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बुधवार से घर घर जांच अभियान शुरू हुआ है। यह अभियान 9 मई तक चलेगा। इसके दौरान गाँव के हर व्यक्ति के बारे में जानकारी ली जाएगी। जिन लोगों में कोरोना के लक्षण होंगे या जो दूसरे प्रदेश से लौटकर आए हैं उनकी कोविड जांच की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड 19 के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए माइक्रो प्लान तैयार किया गया है। अमर उजाला की वेबसाइट से ली गई जानकारी के अनुसार इसके लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। हर टीम में 2 सदस्य होंगे, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तो दूसरा अध्यापक या निगरानी समिति का सदस्य होगा। हर टीम में 1,000 लोगों की जिम्मेदारी दी गई है। टीम के सदस्यों को प्रतिदिन 100 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। यह टीम गांव में जाएगी, लोगों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हासिल करेगी। परिवार में किसी को बुखार होगा तो उसे मेडिकल किट है उसको उपलब्ध कराएगी। और दोस्तों, टाइम 24 भी आपसे लगातार अपील कर रहा है कि जिस तरह से प्रदेश में और देश में दर्दनाक मौतें हो रही हैं और कई जगह ऑक्सीजन की भी कमी देखने को हमें लगातार मिल रही है, तो टाइम 24 भी लगातार आपसे अपील कर रहा है कि बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें अथवा घर में रहें और सुरक्षित रहें, क्योंकि आपकी लापरवाही आपके पूरे परिवार पर भारी पड़ सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट करके राय ज़रूर दें। जो ये कोरोना काल चल रहा है इसको लेकर आपकी क्या राय है और जो सरकार की नीति है उस पर आप क्या सोचते हैं। दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।